इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बाबा बागेश्वर के विरोध में कांग्रेस उतर आई है। बड़ी खबर आई है, बाबा बागेश्वर के मुंबई कार्यक्रम पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस बाबा के इस कार्यक्रम के विरोध में उतर आई है। बड़ी खबर है, कांग्रेस पार्टी बाबा का कार्यक्रम रद्द करने की मांग कर रही है। मुंबई में प्रस्तावित कार्यक्रम बाबा बागेश्वर का, कांग्रेस ने बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को रद्द करने की मांग कर डाली है। दरअसल मुंबई में बताया जा रहा 18 और 19 मार्च को आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होना है। 18 बड़ी खबर है, ये एक्सक्लूसिव है, क्योंकि अब कांग्रेस विरोध कर रही है। बताया जा रहा है 18 और 19 मार्च को मुंबई में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम हो रहा है। कांग्रेस विरोध में उतर आई है कि कार्यक्रम रद्द हो। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि वो सरकार को कार्यक्रम रद्द करने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। इसके जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। बाबा पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को साधु संतों के बारे में पहले जानकारी लेनी चाहिए, फिर उनका विरोध करना चाहिए। बाबा के विरोध में कांग्रेस, बड़ी खबर है। बाबा का कार्यक्रम मुंबई में प्रस्तावित, कांग्रेस नाना पटोले जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, वो रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बाबा के विरोध में कांग्रेस उतर आई है। दूसरी तरफ बागेश्वर इस मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी में भी मतभेद सामने आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस बाबा बागेश्वर का विरोध कर रही है। उद्धव ठाकरे गुट जो है वो बाबा बागेश्वर का स्वागत कर रहा है। आनंद दुबे हैं जो कि प्रवक्ता है उद्धव गुट के, वो कह रहे हैं कि स्वागत है, कांग्रेस के लिए स्वागत नहीं है। इस बीच आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने मुंबई के कार्यक्रम पर वीडियो भी जारी कर दिया है। ये बड़ी खबर हो गई है, कांग्रेस पार्टी विरोध में उतर आई है। बाबा बागेश्वर के 18-19 मार्च के कार्यक्रम में जाने के लिए आने के लिए निमंत्रण है। बाबा बागेश्वर ने संत तुकाराम पर दिए बयान से महाराष्ट्र में विवाद हुआ था, वो पुराना विवाद जिस पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने माफी भी मांग ली थी। लेकिन कांग्रेस की अभी मांगे कि महाराष्ट्र में बाबा का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, कार्यक्रम को रद्द करे बाबा बागेश्वर। क्या बयान है, क्या आरोप प्रत्यारोप, एक बार सुन लीजिए। मुंबई वासियों के लिए पुनः बड़ी खुशखबरी है, मुंबई महाराष्ट्र में पुनः बागेश्वर बालाजी की कृपा से 18 मार्च को एक दिवसीय दिव्य दरबार लगने जा रहा है। 19 मार्च को आशीर्वचन एवं सिद्ध अभिमंत्रित भभूति का वितरण होने जा रहा है। सेंट्रल पार्क मैदान, एसके स्टोन, मीरा रोड, ईस्ट मुंबई में यह दिव्य और भव्य आयोजन 18 और 19 मार्च को होने जा रहा है। ये बाबा हो नहीं सकता, ये बागेश्वर नाम का कोई व्यक्ति है जिन्हें तुकाराम महाराज जी का अपमान किया, और ऐसी जो मानसिकता है वो महाराष्ट्र में ना आए, इसके लिए शासन ने त्वरित एक्शन लेना चाहिए। और बीजेपी उसको अगर ये करती है, प्रमोट करती है, तो बीजेपी का असली चेहरा समाज के सामने आएगा। कांग्रेस के नेताओं को हो क्या जाता है, हमेशा हिंदू साधुओं का विरोध, संतों का विरोध। जब चुनाव आते हैं तो इनके नेता राहुल गांधी समेत सारे लोग जनेऊ क्या पहनेंगे। हमारे दिल में साधु संतों के प्रति हमेशा प्रेम रहा है, रहेगा, और जाकर रही भावना जैसी प्रभु देखे मूरत तें तैसी। अच्छा, बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस तो विरोध कर रही है, लेकिन अब महाविकास अघाड़ी में कंफ्यूजन है। कुछ दिनों पहले ही खुद को हनुमान भक्त बताने वाले कमलनाथ, आपको याद होगा, बाबा के दरबार में आए थे। कांग्रेस पार्टी में भी कंफ्यूजन लग रही है, क्योंकि कमलनाथ तो बाबा के दरबार में गए, बाबा बागेश्वर के आशीर्वाद लिया था कमलनाथ। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले हर पार्टी बागेश्वर धाम पहुंच रही है, कमलनाथ तस्वीरें देखी आप, बाबा के दरबार में कमलनाथ। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये बाबा नहीं है, इनको तो आना नहीं चाहिए महाराष्ट्र में। अब बाबा पर क्या कंफ्यूज है कांग्रेस, ये बड़ी खबर है। अब बाबा के विरोध में कांग्रेस पार्टी उतर आई है मैदान में कि महाराष्ट्र में बाबा का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए।